हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपके साथ में आंवले की चटनी, जो लंबे समय तक हम रख सकते हैं, उसको बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। और इसके लिए मैंने आधा किलो आंवले लिए हैं। इनको वॉश कर लिया मैंने अच्छी तरह से। अब सूखने की तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसे बॉयल ही करना है। तो अच्छी तरह से इसको वॉश करके पानी निकाल लीजिएगा। और इसको मैं गुड़ के साथ बनाऊँगी। आप चाहें तो चीनी के साथ भी बना सकती हैं, मगर गुड़ जो है वो गर्माहट भी देगा और सर्दियों का मौसम है तो विशेष लाभ देगा। इसमें सरसों का तेल यूज़ करेंगे हम, काली मिर्च पाउडर, रेड चिली मैंने ली है, हल्दी, आप इसकी जगह गीली हल्दी भी ले सकती हैं, और काला नमक, सफ़ेद नमक, जीरा, हींग, मेथी दाना और सौंफ। मैंने यहाँ कुकर ले लिया और इस कुकर में हम अपने आंवले डाल देंगे और इसमें उतना ही पानी डालेंगे जो ये इसके अंदर बॉयल हो सकें, क्योंकि हम इसमें 3 से 4 सीटियाँ दे देंगे। वैसे गलने में तो ये बहुत जल्दी गल जाता है, मगर थोड़ा सा चूँकि हमें इसे चटनी बनानी है तो इसके लिए हम इसे 2-3 सीटी दे देंगे। यहाँ मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। इस गुड़ को हम बारीक कर लेते हैं या थोड़ा और तोड़ लेते हैं, ताकि इसको, वैसे इतना बड़ा बड़ा भी, मोटा भी ये इसमें हो जाएगा, घुल जाएगा, मगर थोड़ा बारीक कर लेंगे तो कम गैस लगेगी और जल्दी होगा। फ्रेंड्स, ये गुड़ मैंने तोड़ लिया है और गुड़ की मात्रा आप आंवले के बराबर रखें या उससे थोड़ी कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठी चाहिए तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी इसका नाप यदि रखें तो सही उचित नाप होगा आंवले के बराबर मीठा। और मिर्च जो है आप अपने स्वादानुसार डालेंगे, नमक भी आप अपने स्वादानुसार डालेंगे, और ये चीज़ें जो हम मेथी दाना और सौंफ ये डाल रहे हैं, ये थोड़ी अधिक मात्रा में डालें तो अच्छा होगा। इसके साथ हम काली मिर्च भी डालेंगे। कुछ काली मिर्च को मैंने दरदरा कर लिया है और कुछ का हम पाउडर लेंगे, ये भी आप अपने स्वादानुसार लेंगे। फ्रेंड्स, 4 सीटी हो चुकी हैं, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिएगा, फ्रेंड्स, अगर पानी ज़्यादा है तो निकाल लीजिएगा। अब हम इसके बीच से, इसमें से देखिए किस तरह से गल गए हैं ये हमारे, इसकी जो गुठलियां हैं उनको बाहर निकाल देंगे। ये जो गुठलियां हैं, ये देखिए इस तरह से गुठलियां होंगी। ठंडा होने पे भी निकाल सकते हैं, आप इसको ठंडा करके निकाल लीजिएगा, ऐसे करके भी निकाल सकती हैं। और इसको मैश कर लेंगे, गुठलियां निकालने के बाद मैश कर लेंगे। अब स्टील का बर्तन लें या नॉन स्टिक लें और इसमें 1 से 1.5 चमचा हम ऑयल डाल देंगे सरसों का, और इसको गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, हम इसके निकले हुए जो पानी हमारा निकल गया है, यानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, ये ऐसा ही लग रहा है क्योंकि इन्होंने ज़्यादा नहीं बॉयल होने में लिया, तो इसको भी हम अपने इस चाशनी के अंदर ही यूज़ करेंगे, फेंकेंगे नहीं इस पानी को, क्योंकि ये बहुत पौष्टिक है। इसमें हम रेड चिली या ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। मैंने ग्रीन चिली ली और इनको काट लिया है ताकि ये फ्राई हो जाएं और इनमें पानी ना बचे। हमारे ऑयल में धुआं उठ गया है, गैस को हल्की सी ठंडी कर लेंगे, कम कर लेंगे। और इसमें सबसे पहले हम मेथी दाना डालेंगे, इसके बाद में जीरा, गैस को बंद कर लीजिएगा, और सौंफ, इसमें हरी मिर्च, गैस को बंद कर लीजिएगा अगर ज़्यादा गर्म लग रहा है आपको, हींग, इसमें हल्दी भी डाल लेंगे और मिर्च स्वादानुसार। हम हमारा पेस्ट किया हुआ आंवला डाल देंगे, गैस ऑन कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको इसमें भुनने देंगे, आप इसको ऐसे ही रख के भूनिएगा।
अब इसमें ये जो बचा हुआ पानी है डाल करके इसमें बिल्कुल इसको जला लेंगे पानी को, इसमें इसी के अंदर। ये पानी देखिए सूख गया बिल्कुल इसमें जो हमने डाला था, और अब हम इसमें अपना गुड़ बना मिला देंगे और इसकी अच्छी चाशनी बनने देंगे जब तक ये इसमें घुल ना जाए। इसको चलाते रहेंगे फ्रेंड्स, छोड़िएगा मत, चल बराबर लगातार चलाते रहिएगा। जैसे जैसे गुड़ इसमें मिलेगा ये पतली होगी, मगर इसे हमें गाढ़े होने तक पकाना है ताकि इसकी चाशनी बन जाए। इसमें काला नमक और सफ़ेद नमक डाल लेंगे, और आप चख भी सकते हैं और चख करके देख लीजिएगा, आपको और ज़रूरत हो तो आप और भी मिला सकती हैं। फ्रेंड्स, गुड़ या मीठा आपको यदि आधा किलो में आधा किलो कम लगता है तो आप और डाल दीजिएगा, उसको टेस्ट करके देख लीजिएगा। और मैंने भी इसमें और गुड़ डाला है, थोड़ा सा और डाला है मीठे के अकॉर्डिंग, जितना हम खाते हैं उसके हिसाब से आप भी डाल लीजिएगा, और इसको थोड़ा और पकने देंगे। इसमें हमारा देखिए 2 मिनट मैंने और पका लिया और अच्छा हो गया, अभी ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। इसमें अपनी काली मिर्च जो हमने दरदरी, और काली मिर्च का पाउडर, या आप चाहें तो डालिएगा, नहीं पसंद है तो मत डालिएगा। अब हम गैस बंद कर देते हैं, और चूँकि मैंने स्टील के उसमें बनाया है तो इसको इसमें ही रख के मैं ठंडा कर लूँगी। अगर आप दूसरे किसी बर्तन में बना रहे हैं तो आप उसको निकाल करके स्टील में या कांच के बर्तन में रख दीजिएगा। अगर आपको ये आंवले की चटनी अच्छी लगे तो पहले इसको ट्राई कीजिएगा, फिर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। और फ्रेंड्स, इसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं, आप इसको 6 महीने साल भर इसको रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।